जजमेंट जो है सिंगल बेंच की वो अपहोल्ड कर जाती है डबल बेंच में अपहोल्ड कर जाती है तो प्रोसेस क्वैश मतलब जो एग्जाम अभी ये कंडक्ट करा रहे हैं कोर्ट से परमिशन लेके वो क्वैश हो जाएंगे अभी वो पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि ये एग्जाम आगे जाएंगे या जा नहीं जाएंगे ये जा बंद भी हो सकते हैं बीच में दवाब बनाया जा रहा है एक तरह से कि आप परीक्षा दो ब्लैक ऑफ हॉर्म को दो ताकि कल को जब कोर्ट में जाए तो ये कह सकें कि आप लोग अपेयर क्यों हुए थे सरकार की सारी गलतियां गिनानों के बावजूद सरकार फिर इस कंपनी को डिफेंड करने अगले दिन पहुंच गई है कोर्ट में भाई आप पब्लिक के लिए हैं या उन प्राइवेट कंपनीज के लिए हैं हम लोग जॉब लेने वाले हैं जॉब देने वाली सरकार है हमें ये चाहिए ट्रांसपेरेंसी हो लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं हम उस कंपनी के थ्रू आएंगे में जो एक्सपेरेंट्स हैं उनका तो वक्त उनकी तो उम्र निकल जाएगी इसमें ये तो वही सोच वही करने पर तुले हुए हैं दो में भाजी ग्रेजुएट हुए थे हम 2017 के बाद दो साल हमारी करियर के बीच में कोरोना खा गया

चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो प्रेशराइज़ करा था एक ब्लैक ब्लैकलिस्ट फर्म को जो है वो हायर करने के लिए एटलीस्ट हमें एक विश्वास होना चाहिए कि हमारी नौकरी इस बार भी कोई और नहीं खाएगा रणबीर प्रेस है सरकारी प्रेस है सरकारी अधिकारी भी हैं जो वहाँ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं वन टाइम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए सिक्रेसी जब वो ब्रिज करते हैं तो उनके लिए सरकारी अधिकारियों पर दस साल के लिए सजा होती है नॉन अवेलेबल है डर रहेगा क्योंकि केस पड़ेगा तो नॉन अवेलेबल भी है दस साल की सज़ा भी है लेकिन यहाँ पे पड़ता है 420 सौ प्राइवेट बंदों पे पड़ता है करोड़ों रुपए कमा के अगर चार साल के लिए क्योंकि सजा तो चार साल ही है अवेलेबल भी है चार साल के लिए वो अंदर जाएगा चार साल के बाद करोड़ों रुपये तो सुरक्षित हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में है आपको याद होगा दो दिन पहले हाई कोर्ट सिंगल बेंच का एक जजमेंट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जेके पीएसआई और जे सिविल जल शक्ति के एग्जाम कैंसिल कर दिए जाए इस प्रोसेस को रोक दिया जाए काफी लोग परेशान हो गए थे काफी लोगों को ताजुब हुआ क्योंकि यह सवालिया निशान था यह सवालिया निशान इसलिए था कि अभी भी कुछ गलत हो रहा है हमने पिछले दिनों में देखा किस तरह से बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस सब प्रोसेस का उस सब लेसन का कुछ नहीं सीखा हमने एक बार फिर हमने उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जजमेंट अभी भी स्टैंड है अगर है तो कहां पे है एग्जाम हो रहे हैं और ऐसा क्यों होता है पूरी कहानी आपको इस तरह से बताऊंगा कि हर एस्पिरेंट्स को हर जम्मू वासी को हर भारतवासी को पूरी तरह से ये चीजें समझ आ जाएं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से लोग हैं जो किस हद तक जा सकते हैं मेरे साथ हैं विंकल शर्मा साहब द पेटिशनर जिन्होंने सवाल या निशान उठाए थे जेके एस एस बी पे और उन सवालों को लेकर वो कोर्ट में चले गए और उसका असर भी देखने को मिला विंकल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट सेंटिनल पे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा आपने ये पटिशन दायर की आपको लगा कुछ गलत हो रहा है वो गलत क्या था देखिए गलत पटिशन हमने बाद में दायर करी थी उससे पहले जहाँ गलत हो रहा था वहाँ हमने ये जानकारियाँ पहुँचाई थी जो बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उन जानकारियाँ जो हमने दी उनको लिया एक्नोलेज करा और जजमेंट दी जानकारियाँ जेके में पहुँचाई गई थी कि भाई ये ये चीज़ें हैं आप देखिए है क्या करना है क्योंकि डिस्क्रिप्शन उन्हीं किया है हम उनको सिर्फ बता सकते हैं ये ये चीज़ें हो रही हैं जानकारियाँ किसके खिलाफ थी तो उस कंपनी के खिलाफ एपटेक लिमिटेड के खिलाफ नहीं जानकारियाँ सिर्फ इसलिए थी कि हो क्या रहा है जैसे मानो टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है कि भाई बीच में जो है टेंडर की क्लॉज चेंज करने से हम एक्सपीरियंस भी क्या असर पड़ेगा क्योंकि जो अधिकारी वहाँ है ना उनको जॉब मिल चुका है वो जॉब कर रहे हैं और उनका काम है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट करना और हम लोग एक्सपीरियंट हैं और हमारे लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना हमारा फंडामेंटल राइट right है अब उनका राइट फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो आके हमारे साथ खिलवाड़ कर जाएं लेकिन हमारे ये फंडामेंटल राइट right था कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती जिस कंपनी को वो हायर कर रहे थे उसका इतिहास जो था कुछ खराब था जो टेंटर था कहीं प्रूवन फैक्ट्स थे हमने दिए और हमने अभी ही क्यों दिए इसका कारण था आप ही के माध्यम से जब सारे जो ज लोग हैं सारे व्यूअर्स ये जानते हैं कि इससे पहले स्कैम हुआ है स्कैम क्यों हुआ एक ब्लैकलिस्ट फर्म थी ऑलरेडी इतिहास खराब उसका टेंटर थी ब्लैकलिस्ट हो रखी थी ऑलरेडी पेपर लीक हुआ एक बार हमने कॉम्प्रोमाइज़ जो हमारा जो था रिजल्ट था क्वालिफाइड अभी तो मेरिट बना था हमारा स्कोर इतना था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ऊपर था उसके बाद भी हमने उसके लिए फाइट करा उस टाइम पे वाकई में उन लोगों जो एस्पिरेंट थे जो मतलब बहुत टॉप पे थे उन्होंने हमें कहा कि आप क्यों कर रहे हो आप तो ऑलरेडी आ जाओगे कटा में आप क्यों कर रहे हो हमने कहा कि नहीं गलत गलत है और एक बार ठीक है हमने नुकसान होता है कोई बात नहीं वेंगे सवाल ये है कि ये जजमेंट आया था हाई कोर्ट सिंगल बेंच का उन्होंने इन एग्जाम को कैंसिल कर दिया था जजमेंट आया था उसके बाद आज का क्या स्टेटस है देखिए हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो रिमार्केबल है जो जजमेंट सिंगल बेंच ने आया है अभी खैर डबल बेंच का जजमेंट आना बाकी है इंटरिम ऑर्डर जो है वो दिया है उसकी चर्चा करते हैं लेकिन जो जजमेंट आया था उसमें क्या हुआ था दो चौंकाने वाले जो उनके कंक्लूजन थे वो बहुत मतलब सरकार को हिला दिया उन कंक्लूजन्स ने कि वाकई में देखो किसी जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ और मैंने किसी ने कह दिया है किसी लॉयर ने कह दिया वो एलिगेशन है hmm. कोर्ट का फैसला आना और फैसले में जो चीज़ बाहर आई कि भाई जो ये टेंडरिंग प्रोसेस में क्लॉज चेंज करना उस क्लॉज को चेंज करने के बाद वो वापिस कंपनी क्वालिफाई कर जाना क्योंकि क्लॉज चेंज नहीं होती है तो कंपनी बाहर होती तो जेके एस के पास एक जो एक जैसे रूल ऑफ लॉ तो उनको भी फॉलो करना है तो रूल के हिसाब से वो बाहर हो गई थी तो फिर अपने आप उनको टेंडर फॉर्म होने का सवाल ही नहीं हायर करने का सवाल ही नहीं पैदा होता जब ये साबित हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये हुआ है सारी घटना जैसे में जो चीज़ें चल रही हैं इसके लिए एक जुडिशरी के अंडर इंडिपेंडेंट एक जो कमेटी बनाई जाए जो कि इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस इंडिपेंडेंट कमेटी से क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और उसके डिसीजन भी इंडिपेंडेंट रहते हैं अधिकतर हम देखते हैं कि जैसे जब भी फैसला आया है सरकार ने उसको जो है रोकने की कोशिश करी है जब सरकार के खिलाफ गया तो इस बार भी वही हुआ वो इंडिपेंडेंट वो मैं जानना चाहता हूँ इस बार क्या हुआ इस फैसले आने के बाद जो फैसला आया इन एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए इस प्रोसेस को रोक दिया जाए उसके बाद क्या हुआ जेके एस डबल बेंच के पास गई उसमें क्या क्या थोड़ा उसमें विस्तार से बताएं देखिए जब फैसला आया था शाम के समय फैसला आया मीडिया, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें वायरल होगी क्योंकि कोर्ट ने सीधा कह दिया तो कैंसल था कैंसल है और टेंडर ही कैंसिल है तो प्रोसेस को जो टेंडर क्वेश्च हो गया तो प्रोसेस सारी एग्जाम जो थे वो जिस भी स्टेज पर थे वो, वो कैंसिल हो गए अब शाम को जेके की तरफ से एक नोटिस आता है पोस्टपोनमेंट का अब पोस्टपोनमेंट का जो नोटिस आया एग्जाम एक सिंगल डे का पोस्टपोन का नोटिस आता है बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक ही दिन का पोस्टपोनमेंट उसका कारण अगले दिन क्या होने वाला है प्री प्रडिक्ट था क्योंकि एक ही दिन का कैंसिलेशन नोटिस आया क्योंकि हमने जब पेटिशन लगाई हमें दो से तीन दिन बाद जो है वो डेट मिलती है कोर्ट में इमीडिएटली जाने पे तो सुनवाई होगी नहीं और ऐसा कोई मिलती है फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो तो मिलती भी है जेके एस का कौन सा फंडामेंटल राइट right जो है वो वायलेट हो रहा था जी उनको इमीडिएटली मिल गया वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है सुना हम मानते हैं उसमें जेके एस जाती है और कहती है कि हमें सुना नहीं गया और फैसला हो गया सिंगल बेंच में सुना नहीं सुना नहीं जबकि जजमेंट आप पढ़िए उनके जो काउंसलर है जो उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने काउंसिल ने अच्छे से अपनी दिल्ली रखी है उसके बाद डबल बेंच ने क्या कहा उनसे डबल बेंच ने उनको जो प्रोसेस है वो स्टे कर दिया हाँ। जो क्या नाम है उसका जो जजमेंट है उस पर उनको स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप जो प्रोसेस है परीक्षा करा सकते हैं लेकिन जो रिजल्ट है वो जो है जो जो रिटपटीशन है उसका जो फैसला आएगा उसके आधार पर होगा अगर माने रिटपेडिशन जो है वो जजमेंट जो है सिंगल बेंच की वो अपहोल्ड कर जाती है उसका जो परिणाम मैं बता रहा हूँ कि अगर वो डबल बेंच में अपहोल्ड कर जाती है तो प्रोसेस क्वैश मतलब जो एग्ज़ाम अभी ये कंडक्ट करा रहे हैं कोर्ट से परमिशन लेके वो क्वैश हो जाएंगे सारे के सारे एग्जाम वो एग्जाम जो है वो मतलब नल एंड वाइड हो गए और अगर वो वैलिड नहीं रहती है डबल बेंच की जजमेंट आती है जे के एस के फेवर में कि उन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड फर्म को हायर करके कोई गलती नहीं करी है ब्लैक लिस्टेड फर्म भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट करा सकती है तो फिर ठीक तो है फिर आप फिर ये रिजल्ट वो निकाल सकते हैं मैं एक बार फिर अपने व्यूवर को समझाना चाहूँगा आपने जो पटिशन दायर की है अगर जो फैसला आता है वो आपके हक में आता है तो ये जो अभी प्रोसेस चलने दो जो एग्ज़ाम होने दो डबल बेंच ने कहा है वो सब कैश हो जाएंगे अगर फैसला जेके एस के फेवर में आता तो फिर नहीं होंगे दैट मीन्स कि चांसेस हैं अभी अभी चांसेस हैं कि जो इतना लार्ज नंबर है एस्पेरेंट्स का जो मेहनत कर रहे हैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपना पैसा दे रहे हैं वक्त दे रहे हैं अभी वो पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कि एग्जाम आगे जाएंगे या जा नहीं जाएंगे जे जा बंद भी हो सकते हैं बीच में देखिए जी मैं आपके माध्यम से ही अभी एस्पिरेंट्स को भी एसपी जो है वो एड्रेस करना चाह रहा हूँ सरकार को भी इस समय जो भी एस्पिरेंट है आप सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देखिए बेशक वो परीक्षा दे रहा है लेकिन वो ये कह रहा है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दबाव बनाया जा रहा है एक तरह से कि आप परीक्षा दो ब्लैक लिस्ट फॉर्म को दो ताकि कल को जब कोर्ट में जाएं तो ये कह सकें कि आप लोग अपेयर क्यों हुए थे कोर्ट में आता है कि इनको पता था ब्लैकलिस्ट तो अपेयर क्यों हुए पहले आते अब तो पहले गए तो है, आपने पेटिशन तो कर दी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अभी जो हमारी पेटिशन है ना आप समझिए कि वो इसलिए नहीं है कि परीक्षा में कुछ धांधली हो रही है वो इसलिए है कि टेंडरिंग प्रोसेस में ही दांधली होगी अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये, ये डबल बेंच का जो अभी स्टे आया वो बात समझ आ गई उसके बाद अब सवाल ये है कि ये जो टेंडरिंग हुई थी इसमें पांच से छह कंपनी आई होंगी जी पाँच से छः कंपनी कुछ कंपनी ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल साफ होंगी बेदाग होंगी लेकिन आपको क्यों लगता है कि ऐसी कंपनीज को चूज किया इसमें क्या कारण लगता है आपको क्यों अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो उसमें कोई है लीगल एक्टिविटीज हैं कोई लीगल लॉस हैं कि आप उनको नहीं ले सकते देखिए एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई है कि अगर कल डबल बेंच में भी गए हैं तो उसमें कंपनी को भी पार्टी बनाया है जेके एस में मुझे ये नहीं समझ आई कि कंपनी भी वहाँ पार्टी थी और हम भी थे हम भी वहाँ थे बड़ी हैरानी की बात है कि भाई हमारा केस था हमारा जो जो आप कह सकते हैं लड़ाई है वो जे के से है प्राइवेट कंपनी उसमें उसका कमर्शियल इसमें इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है ना कि उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट है उसका कमर्शियल इंटरेस्ट है हम लोग जॉब लेने वाले हैं जॉब देने वाली सरकार है हमें ये चाहिए ट्रांसपेरेंसी हो लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं हम उस कंपनी के थ्रू आएंगे जो आप सवाल कर रहे हो कि क्यों है

अभी के लिए जो उनके साथ धोखा कर, करा जा रहा है ठीक है फायर एंड एमरजेंसी वालों की तरह जैसे उनके साथ 2013 में हुई 20 में कंप्लीट करी आज भी उसके ऊपर इं, इंटरनल इंक्वायरी बनी हुई है जब ये डबल बेंच में जो है जो भी इसका परिणाम आता है जो भी परिणाम आता है जिस तरह से ये डबल बेंच में यहां गए हैं गलत को सही साबित करने के लिए ऐसे ही पेटिशनर्स जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी सिंगल बेंच होगा डबल बेंच होगा डिसीजन आते आते कब तक क्योंकि ये तो गलत ये कभी नहीं साबित कर सकते कि हाँ ये गलती नहीं है और रही बात आ, सुप्रीम पटिशनर्स के पास ऑप्शन तक इनके पास फंडामेंटल राइट तो पटिशनर के पास है सरकार के पास थोड़ी ना फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं और उनका हनन जो ये कर रहे हैं जिसका हनन है वो एस्पिरेंट्स का कर रहे हैं ना कि इनका हो रहा है हम भी जा सकते हैं जो इस सब में जो एस्पिरेंट्स है उनका तो वक्त उनकी तो उम्र निकल जाएगी इसमें ये तो वही सोच वही करने पे तुले हुए हैं मुझे बताइए अगर इनको चार तारीख को बता दिया गया था कि भाई ये ऐसी ऐसी फॉर्म है आप इसका कुछ करिए तो फिर चार तारीख के बाद अगले पाँच तारीख तक ये क्यों इंतजार करते रहे एक महीना पूरा एक महीना क्या करते रहे और एक महीना भी छोड़िए चार तारीख को तो चार नवंबर को इनको बताया उसके बाद उनतीस सितंबर को जब इनको बता रहे हैं जब उनतीस सितंबर को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपने क्लास चेंज करी है इसका नुकसान ये होने वाला है भाई साहब मैं कोई पंडित नहीं भविष्यवक्ता नहीं हूँ मुझे मैंने जब उनतीस तारीख को ये ऑन रिकॉर्ड आया टीएसएल पे मैंने ये चीज कही है कि ये चीज आप इसका ये कर रहे हो क्लास चेंज कर रहे हो तो इस कंपनी को टेंडर मिला मिलेगा उसका कारण है कि ये क्वालिफाई कर जाएगी ब्लैकलिस्टिंग आप जब क्लास चेंज कर रहे हो तो वो हुआ वो क्लास कि, किसने चेंज किया जेके एस अथॉरिटी है तो जेके एस ने करा था अब जेके एस एस बी ने जब चेंज करा उनका है उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है कि यही कंपनी आनी चाहिए उसके लिए क्लॉज भी चेंज कर जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें जब चलती हैं तो वो दिखती नहीं है कि कहाँ से चल रही हैं जेके एस लगता नहीं है ऐसे वहाँ क्या हो रहा है क्योंकि मैं एक न्यूज़पेपर को कोट करूंगा अगर आपकी इजाज़त हो तो न्यूज़ नो हाँ। द न्यूज़ नो करके एक लोकल यहाँ जम्मू में न्यूज़ है सात तारीख को वहाँ एक खबर लगी उसमें न्यूज़ क्या थी एक्स चीफ सेक्रेटरी और थ्री टॉप ऑफिशल्स ऑफ जेके एस एस बी उनको इन्वेस्टिगेट करा और उनको चार्जशीट करने वाले हैं जेके एसएसबी के ऑफिशल्स को चीफ सेक्रेटरी को और उन्होंने बोला चार SS, तीन के तीन जेके एसएसबी के टॉप ऑफिशल उसी न्यूज में उन्होंने लिखा था कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जेके एस के ऑफिशल ये एक्सेप्ट ये मानते हैं कि उनको चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो प्रेशराइज करा था एक ब्लैक ब्लैकलिस्ट फर्म को जो है वो हायर करने के लिए जो कि ट्रैक जो कि स्कैम हो चुके हैं जो स्कैम हो चुके हैं मैं उनकी बात कर, तो, कर रहा हूँ मैं इसीलिए कर रहे उनको मैं, मैं कोर्ट कर रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ आपको एक ठीक है ठीक है है मैं मैं आपको दिखाता कर रहा उस में न्यूज उनके सोर्स होंगे कोई तभी उन्होंने उधर किया कि उनके ऑथेंटिक सीबीआई के सोर्स हैं क्योंकि अगर सोर्स हैं कहा है चार्जशीट फाइल होगी थोड़े दिनों में सप्लीमेंट्री वो भी दिख जाएगा लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो रिकॉर्ड पे होगी सीबीआई में तो अगर ऐसा है तो फिर आप देखिए चीज़ें कैसे चल रही है क्योंकि जे कैसे अच्छा कौन कौन चला सवाल आखिरी सवाल एक और आपसे रहेगा जब इस तरह के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं टेंडरिंग होती है कंपनीज की कि आप पाओ अपनी अपनी बिड दो उसके बाद इनको एक वो चूज किया जाएगा तो इसमें क्या कुछ ऐसी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो एलिजिबल नहीं होंगी तो जैसा कि आपने कहा कि एपटेक और जो दूसरे एक दो नाम हैं वो इसमें कैसे क्वालिफाई ने। ने कहा है, देखने से लगता है।, ये मेरा नहीं है अब तो कोर्ट ने कह दिया कि देखने से यही लगता है कि कुछ चेंज हुआ तो कुछ कारण यही है क्योंकि अगर वो करते हैं तो वही फेवर हुआ। हुआ। सिंगल बेंच ने इसी आधार पर अपना जजमेंट दिया इसी आधार पर नहीं उन्होंने इसके अलावा जो एसटीएफ है उसकी रिपोर्ट भी है वो जज जजमेंट भी है उस जजमेंट में भी क्या आया है इस कंपनी ने एक बार पेपर लिया तो आंसर स्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग होती है वही आंसर स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग चेंज करी हुई थी कुछ पर्टिकुलर लोगों को बेनिफिट देने के लिए अब बताइए ऐसी कंपनी को हमारे यहाँ पेपर करने के लिए दिया जा रहा है इस सारे प्रोसेस में जो प्रोसेस चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो एस्पोरेंट्स का है जिनकी उम्र निकल रही है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं अब भी मैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अभी भी मेहनत कर रहे होंगे लेकिन ये भी डबल बेंच ने कह दिया कि अगर जो रिट पटिशनर आपने दायर की है अगर उसका फैसला जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक उसका जो रिजल्ट है उसको सेफ रखा जाएगा अगर फैसला आपके हक में आ गया तो सब ऐश है मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी अपील करूंगा जो अभी जिस दुविधा में और जिस संकट में ऑनरेबल एल जो हमारे हैं रिस्पेक्टेड एल साहब एक दबंग नेता उनको माना जाता है उन्होंने डाला होगा क्योंकि सरकार उनकी है तो उन्होंने उन्हीं को कहेंगे हम ये बड़ा गलत है और अगर अगर वो चाहते हैं वाकई में जम्मू कश्मीर के युवा के साथ खिलवाड़ आज नहीं भविष्य के लिए भी कभी ना ना हो तो एक बड़ा हो सकता है कुछ लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगे लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस समय दो सौ छत्तीस रुपए एक पेपर कराने का प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है जबकि ओ एम बेस्ड पेपर कराने के लिए जो पेपर है उसमें लगते हैं पचपन से साठ रुपए अब ओ एम आर बेस्ड पेपर भी जो एस जो हमारे यू है जो आई बनते हैं जो अधिकारी जो अभी इन्वाल्व हैं हमारे यहाँ है, है, के एस बनते हैं के पी एस बनते हैं उसी टाइप में क्वालिफाई होके आते हैं ओ एम बे। आर ओ एम आर बेस्ड पे। ओ एम आर में भी प्राइवेट कंपनी क्यों प्राइवेट कंपनी नहीं लानी जम्मू कश्मीर सरकार की रणबीर प्रेस है रणबीर प्रेस है सरकारी प्रेस है सरकारी अधिकारी भी हैं जो वहाँ करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं वन टाइम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए और काम जो प्रिंटिंग का है वहाँ होगा कैमरे में होगा सरकारी अधिकारी शामिल होंगे जब सरकारी अधिकारी देखो चार जब सरकारी अधिकारी पर पड़ती है ऑफ उसमें सीकरे जब वो ब्रिज करते हैं तो उनके लिए सरकारी अधिकारियों पे दस साल के लिए सज़ा होती है नॉन अवेलेबल है डर रहेगा क्योंकि केस पड़ेगा तो नॉन अवेलेबल भी है दस साल की सज़ा भी है लेकिन यहाँ पे पड़ता है चार सौ बीस प्राइवेट बंदों पे पड़ता है जैसे आपने देखा तो मेरिट्रैक केस में कि कोई प्रिंट करने वाले पे तो वो करोड़ों रुपए कमा के अगर चार साल के लिए क्योंकि सजा तो चार साल ही है अवेलेबल भी है चार साल के लिए वो अंदर जाएगा चार साल के बाद करोड़ों रुपए तो सुरक्षित हैं सरकारी प्रेस में पेपर प्रिंट प्रिंटिंग के लिए बना दीजिए क्योंकि डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है और आपके पास पुलिस है टीचर है सब कुछ है। आप ज़्यादा समझदार हैं या सरकार इतनी काबिल नहीं है जो जिनको ये बात जिनकी मंशा नहीं है मैं थोड़ा सा इसमें कंप्लीट कर दूं दूँ जो टीचर जिनको ये इलेक्शन ड्यूटियों पे लगाते हैं ना मुझे लगता है उनका काम यही है कि जो स्टेट जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है उसको अच्छे नागरिक देना और अच्छा नागरिक स्टूडेंट से लेके टीचर एक अच्छा एम्प्लॉय तक दे सकता है तो उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएँ ऐसे करके सरकार जो पब्लिक रिक्रूटमेंट है क्योंकि ये रिक्रूटमेंट सरकारी है पब्लिक रिक्रूटमेंट है और इसमें सरकार खुद ही करे पब्लिक रिक्रूटमेंट प्राइवेट एजेंसियों के हाथों में नहीं होनी चाहिए विंगल साहब इस सब का नतीजा अब यही निकलता है कि एस्पिरेंट्स अभी मुश्किल में है अभी भी मुश्किल में है ऐसे ही एक एक्सपेरेंट से मैं बात करने जा रहा हूँ कार्तिक साहब है ये कार्तिक साहब पिछली बार आप जेके पी में क्वालिफाई कर गए थे जी भाजी एक ऑफिशियल वो तो नहीं आया था लेकिन जो एक अनऑफिशियल डेटा उसके अकॉर्डिंग इतने मार्क्स तो थे हमारे कि हम डेफिनेटली होते हैं किस दौर से गुजर रहा है एक स्टूडेंट जो इसके लिए तैयारी कर रहा है दिन रात मेहनत कर रहा है भाजी मतलब बिल्कुल एक ना माइंड में एक सेटिस्फेक्शन जो चाहिए ना एक माहौल चाहिए जो पढ़ने के लिए बिल्कुल बनी नहीं रहा है एक दिन पहले अनाउंसमेंट होती है कि जी आज जो है वो पूरा टेंडर कैंसिल कर दिया गया है नेक्स्ट डे एक दिन का पोस्टपोन आता है फिर नेक्स्ट डे आ जाता है कि आपको एग्ज़ाम फिर देना है मतलब क्या ये क्या चल रहा है मजाक चल रहा है कोई एक एग्ज़ाम जिसमें पहले स्कैम हुआ आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर दे दिया तब से ही भाजी हमारा एक दिल टूट गया है कि यार हम करें क्या 2017 में भाजी ग्रेजुएट हुए थे हम 2017 के बाद दो साल हमारी करियर के बीच में कोरोना खा गया और उसके बाद पब्लिक सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट जे एंड के में इसके अलावा और कौन सी एम्प्लॉयमेंट है जिसे हम सिक्योरिटी सेफ समझते हैं ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का ही तो हम लोग वेट करते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों के साथ क्या 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 क्ग्ज़ाम को एश एग्जाम को एश एग्जाम क्वेश और अब ये जो पेपर है देखिए कोई गलती नहीं बाजी हमारी क्या गलती है हमारी सरकार एक ब्लैक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों बार बार हायर कर रही है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑनेबल जो हमारे जज हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा एक हिस्टोरिक जजमेंट उन्होंने दी है उस जजमेंट में साफ़ तौर पर उन्होंने सरकार की सारी गलतियाँ तक गिना दी हैं सरकार की सारी गलतियाँ गिनानों के बावजूद सरकार फिर इस कंपनी को डिफेंड करने अगले दिन पहुँच गई है कोर्ट में भाई आप पब्लिक के लिए हैं या उन प्राइवेट कंपनीज़ के लिए हैं ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आप ट्रांसपेरेंसी के साथ करें हम लोग अब कल ले लें ले पेपर पर, पर नेक्स्ट डे ले लें जिस दिन चाहे आप ले लें लेकिन एटलीस्ट हमें एक विश्वास होना चाहिए कि हमारी नौकरी इस बारी भी कोई और नहीं खाएगा पिछली बारी की तरह अब पिछली भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड वहाँ पर कितने लोग जो हैं वो पकड़े गए आपने उनमें से एक भी बंदे को अब तक पब्लिक नहीं किया देखिए बाजी ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर था तो उस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है Absolutely. Absolutely. क्यों कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं उस रिपोर्ट को वो लोग कहाँ हैं इन्होंने रिपोर्ट में ये हमें सुनने में आ रहा है कि साठ सत्तर करोड़ रुपए का घोटाला है साठ सत्तर ही मान लीजिए तो कम से कम पंद्रह बीस तीस कैंडिडेट तो होंगे वो लोग पेपर देंगे हमारे साथ दोबारा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दिक्कत में है एस्पिरेंट्स और सवाल सबसे बड़ा ये है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जेके एस एस बी बार बार मौका क्यों दे रही है हालांकि सिंगल बेंच ने अपना बड़ा सख्त फैसला सुनाया था लेकिन डबल बेंच ने यह कह दिया कि ये एग्ज़ाम होंगे लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होगा उस पर रोक लगा दी जाएगी जब तक कि जो पेटिशनर हैं जो रिट पटिशन फ़ाइल की गई है उस पर कोई फ़ैसला नहीं आ जाता तो जाहिर सी बात है कि अगर पटिशनर के हक में फैसला आता है तो ये एग्ज़ाम सभी के सब क्वेश हो जाएंगे वापस और अगर ये फैसला जे के के हक़ में आता है तो पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट के और रुख करेगा कितना वक्त लगेगा पता नहीं और इस सब में पिस रहा है वो घर में मेहनत करने वाला अपने सपनों को एक आकार देने की कोशिश करता हुआ इन सब में वो पिस रहा है शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए